सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्य के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान की संसद में पहली दहाड़, विपक्ष को दे दी खुली चुनौती। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है। एक तरफ जहां संसद में आज नए अध्यक्ष के रूप में यानी कि नए स्पीकर के रूप में ओम बिरला को चुना गया है, ओम बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, एक तरफ जहां ओम बिरला को तमाम सांसदों के द्वारा जो है वो बधाई दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी ओम बिरला को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने विपक्ष को नसीहत भी दिया है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि आप हमारी तरफ जो उंगली उठा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए। दरअसल विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर को लेकर जो है वो मांग हो रही है। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि जहां जहां पर आपकी सरकार बनी हुई है क्या वहां पर आपने डिप्टी स्पीकर को दिया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आप यहां पर कैसे बोल रहे हैं? चिराग पासवान ने इशारों में कहीं ना कहीं विपक्ष को यह साफ साफ नसीहत दे दी है कि अगर आप हम पर उंगली उठा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए। सीधे हम आपको सदन के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से चिराग पासवान विपक्ष पर जोरदार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। सर सबसे पहले आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है, उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए सर, उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है, उम्मीद मैं यही रखूँगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया, और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कार्य करने का प्रयास करें। सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्य के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा
जैसे पिछले 5 सालों में मिला, मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्री पी वी मुथुन रेड्डी।